तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू टेक्निकल में। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्रोमा टोन करेक्टर के कपड़े कैसे चेंज किए जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईजी भी से। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी इसी तरह क्रोमा टोन के करेक्टर के कपड़े चेंज करना सीख जाओगे। तो दोस्तों, करेक्टर के कपड़े चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। अब दोस्तों यहाँ से आपको सर्च कर लेना है क्रोमा टून्स। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको सिंपली सर्च करना है क्रोमा टून्स। ये देखिए क्रोमा टून्स, जैसे ही आप क्रोमा टून्स सर्च करोगे तो क्रोमा टून्स की जो वेबसाइट है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको लिख कर आ रहा होगा क्रोमा टून ऐप ट्यूटोरियल, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रोमा टून की जो वेबसाइट है आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे जिससे आपका जो वेबसाइट है वो अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे करके नीचे चले जाना है। ऐसे करके देखिए कुछ इस टाइप का आपको नीचे चले जाना है। दोस्तों देखिए, जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का लिख कर आएगा डाउनलोड PSD फाइल एंड कस्टम करेक्टर डिज़ाइन चार्ट हेयर। और यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारे जो करेक्टर की PNG है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कोई सभी एक करेक्टर का PNG डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों देखिए, हम ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ ऊपर 3 डॉट देखने को मिल जाएंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ऐसे नीचे जाओगे, यहाँ पर देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। ऐसे क्लिक करके आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों देखिए, अब हमको सिंपली चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर। दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पर। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, IBIS पेंट। तो आपको सिंपली ऐसे IBIS पेंट करके यहाँ पर आ जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे ही आप IBIS पेंट ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली माई गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप माई गैलरी पर क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे साइड देखिए एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक रेशियो देखने को मिल जाएगा 20:48 का, यानी 20:48 का एक आपको रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यही वाला रेशियो लेना है। अगर आप कोई अदर में रेशियो लेते हो तो जो आपका करेक्टर है वो इधर उधर हो जाएगा, मतलब हाथ अलग हो जाएंगे। जब आप क्रोमा टून एप्लीकेशन में ऐड करोगे तो हाथ अलग हो जाएंगे, पैर अलग हो जाएंगे, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ये 20:48 यानी 20:48 वाला जो आपको रेशियो है, आपको सिंपली यही वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे जो ये 20:48 वाला रेशियो है आ चुका है। अब आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे साइड, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कैमरे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमने अभी PNG डाउनलोड करी है क्रोमा टून वेबसाइट से, आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे जो आपके जो PNG है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रीन टिक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ग्रीन टिक पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का एक पॉपअप टाइप के खुल कर आएगा, सिंपली आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद साइड पर ऐसे टच करोगे तो आपका ये देखिए जो करेक्टर का PNG है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इसको किसी भी तरह कोई सा भी कलर यहाँ पर फिल कर देना है, जैसा आप अपने करेक्टर को कपड़ा पहनाना चाहते हो वैसा आप पहना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ब्रश का आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ब्रश पर चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हम बेसिक पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए कितने सारे आपको ब्रश देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए बहुत सारे आपको ब्रश देखने को मिल जाएंगे। आप जो ब्रश यहाँ से यूज़ करना चाहो आराम से यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको, यहाँ देखिए पत्तियों वाले हैं, लाइंस वाले हैं। ये देखिए ये राउंड शेप भी है, सर्कल वाला है, स्टार वाला है, जैसा आप अपना ब्रश यहाँ से यूज़ करना चाहो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, हम ये वाला एक ब्रश यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हार्ट वाला। मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ, इससे ऐड करेंगे तो ये हमारा जो कस्टम ब्रश है इसमें देखिए ये ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखिए सिंपली क्या करेंगे, बैक चले जाएंगे। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप फिर से ब्रश पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक बकेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली ऐसे क्लिक करना है और इसको जैसा कलर आपको इसकी शर्ट का देना है आप दे सकते हो। तो दोस्तों देखिए हम रेड दे देंगे, तो हम रेड कर दिया। रेड करने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपली क्या करेंगे, ऐसे करके बड़ा कर लेंगे यानी जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ऐसे करके इसके जो शर्ट पर ऐसे करके टैप करेंगे। ये देखिए जो शर्ट का जो कलर है
यहाँ पर देखिए आपको चेंज हो जाएगा। ये देखिए अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो ऐसा और जूम कर सकते हो। देखिए ऐसे करके आप ऐसे ऐसे करके इसको फिल कर सकते हो। देखिए कुछ इस टाइप को आपको फिल कर देना है। देखिए ऐसे करके आपको सिंपली फिल कर देना है। अगर दोस्तों आपको देखिए ये गलत हो जाए तो यहाँ पर देखिए एक अंडू और रीडू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली ऐसे कर देना है। ये देखिए इस टाइप का जो है आपका है वो हट गया। अब दोस्तों देखिए ऐसे करके आपको जैसा आप कपड़ा चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखिए ऐसा हो गया रेड कलर का। उसके बाद दोस्तों हम इसकी जो पैंट है वो चेंज करेंगे। तो पैंट चेंज करने के लिए दोस्तों हम इसको पैंट को कलर दे देंगे ब्लैक कलर का। तो दोस्तों देखिए हम ब्लैक कलर का कलर दे देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे करके टाइप करेंगे, ये देखिए ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए देखिए कुछ इस टाइप का जो ब्लैक पैंट हो गई है। अब दोस्तों हमको देखिए इसका जो हाथ पैर में जो पैर है इनका भी ब्लैक करना है। देखिए पैर का जो पैंट्स है वो सब का ब्लैक करना है। तो ऐसे ऐसे टच करते जाएंगे, ये देखिए ये ब्लैक होता चला जाएगा। ये देखिए ब्लैक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको रेड करना है। तो ये देखिए रेड का है। तो आपको सिंपली क्या करेंगे, ऐसे टाइप करेंगे और यहाँ रेड ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों ऐसे करके देखिए ऐसे टाइप करेंगे, देखिए रेड हो जाएगा। ये देखिए रेड हो गया है। ये कुछ इस टाइप का रेड हो चुका है। अब दोस्तों देखिए हमारे जो इस टाइप के कपड़े चेंज हो चुके हैं। अब दोस्तों आप इस पर कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। तो डिज़ाइन देने के लिए देखिए मैंने एक हार्ड का जो ब्रश सेलेक्ट किया था, मैं यहाँ ब्रश पे चला जाऊँगा फिर से और फिर से ब्रश पे क्लिक करेंगे, ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारे जो कस्टम जो हमने कस्टम वाले जो लिए थे ब्रश यहाँ पर देखने को आ जाएंगे। ये देखिए आर्ट वाला, तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। देखिए सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका कलर हम कर लेंगे वाइट। तो ऐसे ऊपर कर देंगे तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए ब्रश है हमारा, इसका हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसा आप अपने ब्रश को हार्ट को छोटा करना चाहो, लगा बड़ा करना चाहो, ऐसे करके लगा सकते हो। तो दोस्तों देखिए पहले हम इसको ऐसे करके जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद देखिए ऐसे करके हम इसको ऐसे टच करेंगे, ये देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा साइड पर है तो हम इसको ऐसे गैप कर देंगे और फिर से ये देखिए ऐसा हो जाएगा, ये इस कलर का हो जाएगा। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, इसको लेंगे और इसको लेने के बाद थोड़ा इसको यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। देखिए ब्लैक कर दिया है और इसको ऐसे छोटा कर देंगे, थोड़ा सा हार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे और फिर इसी के ऊपर ऐसे करके टैप करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा देखिए बीच में आपको टैप करना है, तो गलत हो जा रहा है मेरा। तो गलत हो जाए तो आप ऐसे जूम कर लें और ऐसे करके टैप कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ऐसे करके आप टैप कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का हो गया है। अब होने के बाद दोस्तों आप देखिए और कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हम एक येलो कलर और ऐड कर लेते हैं यहाँ से। देखिए येलो कलर ले लिया है। लेने के बाद थोड़ा सा और इसको हम छोटा करेंगे ऐसे करके और इस पर देखिए ऐसे टाइप करेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छी जो शर्ट है आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों ब्रश पर जाएंगे और कोई भी आप यहां से लेना चाहो तो यहां बेसिक पर चले जाएंगे। यहां पर देखिए हर प्रकार के आपको ब्रश देखने को मिल जाएंगे। आप जो ब्रश लेना चाहो यहाँ से आराम से ऐड कर सकते हो। ये देखिए काफ़ी सारे ब्रश आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से पत्तियाँ लगा सकते हो, हार्ट लगा सकते हो, सर्कल शेप है वो लगा सकते हो। और यहाँ पर देखिए जंजीर, अगर कोई जंजीर या नेकलेस पहनाना चाहो तो यहाँ पहना सकते हो। ये देखिए हर टाइप का आपका हर टाइप का यहाँ पर ब्रश आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए जैसा आप चाहो यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों देखिए हम एक स्टार वाला ऐड करके देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दोस्तों ऐसे जाएंगे और हम यहाँ पर ऐसे करके इसका कलर जो है वो वाइट कर लेंगे। देखिए वाइट हो चुका है। और ये देखिए कुछ इस टाइप के जो स्टार आप करना चाहो हो जाएंगे। ये देखिए शर्ट पे कुछ इस टाइप के स्टार आप चाहो तो लगा सकते हो, जो आपकी शर्ट है थोड़ी सी और अच्छी दिखने लगेगी। आप इसी तरह अपने कैरेक्टर को है जो कस्टमाइज कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों देखिए अब इसको हम जूम आउट कर देते हैं, मतलब कुछ इस टाइप का जो हमारा कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ब्लैक शर्ट यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का हो गया है। इस टाइप का जो हम अपना करेक्टर है वो ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक साइड पर एक एरो का आइकन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है तो जो आपका जो ट्रांसपेरेंट पीएनजी है वो आपके गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं क्रोमाटून एप्लीकेशन में और वहाँ पर आपको ये करेक्टर ऐड करके दिखा देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप क्रोमाटून एप्लीकेशन ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ लेट स्टार्ट पे चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ से ओके कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको चार कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर एक कैरेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये जो फर्स्ट वाला है इस पर ऐसे करके कॉर्नर पर क्लिक करेंगे एरो पर और ऐसे करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इम्पोर्ट कस्टम का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ ऊपर साइड देखिए फ्रॉम ड्राइव लिख कर आ रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए एक लोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो आपका गैलरी का ऑप्शन है वो आपको शो हो जाएगा, आपको सिंपली गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो जो आपकी गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। होने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जो अभी अभी आपने करेक्टर बनाया है वो वाला करेक्टर ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए करेक्टर देखने को मिल जाएगा, ये देखिए कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए मैं यहाँ से ऐसे ऐड करूँगा, जो हमारा करेक्टर है वो ऐड हो जाएगा और ऐसे करके ओके कर देना है। ये देखिए हमारा जो करेक्टर है कितना अच्छा सा आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके जो कपड़े हैं बिल्कुल अलग हैं और देखिए सभी करेक्टर से बिल्कुल अलग कपड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों आप भी इसी तरह अपने करेक्टर के कपड़े चेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, जैसा आप अपने करेक्टर को चाहो उस तरह का कपड़ा पहना सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो, और साथ साथ इसकी जो दाढ़ी है और आँखें हैं उसमें भी हर चीज़ अपना कर सकते हो, हाथ पैर में कुछ पहनाना हो वो भी कर सकते हो, जो इसका शूज़ है आप शूज़ का भी कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर हमने चेंज करके नहीं दिखाया, आप आसानी से चूज़ कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह। और दोस्तों अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं एक आई बटन पर और इंड स्क्रीन पर दोनों पर भी एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो देखिएगा तो आप पूरी तरह और बहुत ही अच्छी तरह अपने करेक्टर को बनाना भी सीख जाओगे, कस्टमाइज करना भी सीख जाओगे। पूरा ट्यूटोरियल उस वीडियो में मैंने दिया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों हमारा जो करेक्टर है वो ऐड हो चुका है। होने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए प्लस के आइकन बजाकर एक आपको यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे और एनिमेशन भी करके दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए कोई सा भी एक एनिमेशन करके दिखा देते हैं, ये टॉकिंग वाला दिखा देते हैं, बिहाइंड टॉकिंग वाला, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए बिहाइंड टॉकिंग यहाँ पर हमारा करेक्टर है जो करने लगा, सेम उसी तरह करेक्टर हमारा ऐड हो चुका है। तो दोस्तों देखिए जो हमने पूरे तरह करेक्टर ऐड करना आपको सिखा दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।